राहुल गांधी ने फिर कहा कि उनकी सरकार आई तो जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वे भी होगा। ये बात उन्होंने दिल्ली में न्याय मंच नाम के एक कार्यक्रम में कही है। ये हमारी सोच है, जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है और हर संस्था का सर्वे होगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब खबर गुजरात से है। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कहते हैं, कांग्रेस आपकी एक भैंस चुरा ली। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें, पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें, आपकी दो भैंसे हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए, किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी गारंटी तो दे रहे हैं लेकिन उनकी गारंटी फेल हो चुकी है, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। ये मोदी की गारंटी, अरे निम ग्यारंटी अंतू फेल आग होगी, एर कोटि नौकरी कोड़ती नंत हेळिद्रि, कोट्रा वर्षक्के एर कोटि, हत वर्षदल्लि एष्ट कोटि कोडबेकागित्तु नीवु हेळि, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 20 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಲಾಕರ್ ಮೈ ಸಬ್ಕೋ ದೂಂಗಾ ಅಂತ 15 ಲಾಖ ಏಕೆ ಜೋಮೆ ಎಲ್ಲದ ಹೇಳಿ